कोहिल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए बौखला गई है, न काम के नाम पर वोट मांग सकते हैं और न ही राम के नाम पर वोट मांग सकते हैं। और साथ ही साथ शत्रुघ्न सिन्हा का बयान कि कांग्रेस जिन्ना की पार्टी है, इस बात पे गोहिल ने क्या कहा, आइए जरा उनसे ही सुनते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए इतनी बौखला गई है, ना काम के नाम पे वोट मांग सकते हैं, ना राम के नाम पे वोट मांग सकते हैं, इसलिए नॉन इश्यू को इश्यू बनाते रहते हैं। अगर पाकिस्तान के मुखिया को आज़ादी जब से मिली, किसी प्रधानमंत्री ने अपने शपथ समारोह में हिंदुस्तान नहीं बुलाया था, किसी ने भी नहीं। ये पहले मोदी जी निकले कि प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में पाकिस्तान के मुखिया को बुलाया। मनमोहन सिंह जी 10 साल में एक बार पाकिस्तान की भूमि पे कदम नहीं रखा कि आतंकवादी भेजते हैं, मैं पाकिस्तान नहीं जाऊंगा। लेकिन बिना बुलाए मोदी जी चले गए, मोदी जी बिना बुलाए चले गए, साड़ी ले आए, शॉल दे आए, पता नहीं क्या क्या कराए, और पठानकोट में हमारे जवान शहीद हुए। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा है छिंदवाड़ा में कि कांग्रेस जो है वो जिन्ना के पार्टी है, जिन्ना की पार्टी है कांग्रेस। देखिए, किस संदर्भ में और क्या कहा है मुझे पता नहीं है। कांग्रेस पार्टी इस देश की आज़ादी के लिए लड़ी। उस वक्त भाजपा की विचारधारा के लोग अंग्रेजों के विटनेसेस बनते थे, स्वातंत्र सेनानी के खिलाफ अंग्रेजों का साथ किसी ने दिया तो भाजपा की विचारधारा वाले लोगों ने दिया था। हम इस देश के वो समर्पित है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से महात्मा गांधी जी की विचारधारा, और महात्मा गांधी जी हो या कोई भी उस वक्त आज़ादी की लड़ाई के नेता हो, हमारे महान पुरुष रहे, सब ने कांग्रेस की विचारधारा को माना है, कभी किसी ने दूसरी विचारधारा को नहीं माना। मैं पूरे बयान को देखे बिना कोई भी टिप्पणी करूँ वो ठीक नहीं है। उनका पूरा संदर्भ, पूरी टिप्पणी देखने के बाद कांग्रेस पार्टी ज़रूर इसके ऊपर कमेंट करेगी। जो बयान पूरा देखा नहीं गया उसकी एक लाइन पे कोई भी कमेंट, वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। पर मैंने आपको कहा कि हमारी पार्टी देश को समर्पित है, महात्मा गांधी जी ने इस पार्टी को मार्गदर्शित किया है। को होटल में बैठ के हिंदू और मुसलमान शराब पीते और बीफ खाते हैं, क्या ये हिंदू सेंटीमेंट और मुस्लिम सेंटीमेंट को प्रभावित करने वाला बयान नहीं है? देखिए, कुछ लोग चाहते ही हैं कि किसी बयान या किसी संदर्भ को इस तरह से उछाला जाए कि जिससे इस देश में कहीं ना कहीं मजहब के नाम पे बंटवारा हो। एक कोशिश रहती है, कुछ लोगों की एक कोशिश है, पर ये देश आज़ादी की लड़ाई में हम जीते तो हिंदू मुसलमान भाई भाई बन के लड़े तब जीते हैं। क्रिकेट की टीम भी आज जीत के आती है तो हमारे सभी मजहब के खिलाड़ी एक टीम बन के लड़ते हैं तभी जीतते हैं। उनके बयान की भर्त्सना करते हैं? मैं किसी भी बयान को पूरा देखे बिना, पूरे समझे बिना इसके ऊपर टिप्पणी करना उचित नहीं मानता हूँ। मैं मेरी बात ज़रूर करता हूँ कि इस देश में चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, एक दूसरे मजहब को मान सम्मान, इज्जत और उसमें नमन करना, ये हमारी संस्कृति है, ये कांग्रेस पार्टी की संस्कृति है। सेक्युलरिज्म हमारा इसका मतलब है, सभी मजहब का सम्मान करो, वो हमारा सेक्युलरिज्म। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।